हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आपकी क्लास है बिल्कुल धमाकेदार तरीके से चल रही है और ये सीरीज आपके एग्ज़ाम में 100% छपने वाली है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है आपसे कि ये जितनी भी क्लासें हो रही हैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, हर क्लास अपने आप में बहुत अपने आप में एक बिल्कुल से मैराथन छुपाए हुए है और हर फैक्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर फैक्ट पिछले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और यहाँ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपको बताए जाएंगे सारे के सारे बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, TGT, PGT, LT ग्रेड, यहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो VFE मतलब वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल जो है इसमें प्लेलिस्ट बना दी है हमने ये सीरीज की, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ना होगा तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, तो आप लोग जाकर वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं लगभग 4 से 5 क्लासेस पढ़ा दी हैं हमने। ठीक है, आज हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है और चैप्टर का नाम है मुगल तथा दक्षिणी चित्रकला। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं, एक बार थम्सअप करेंगे, सभी लोग रेडी हैं, क्लास स्टार्ट की जाए अपनी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिखते हैं फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? मुगल तथा दक्षिणी कला। ठीक है, पहले हम मुगल चित्रकला के जो कुछ फैक्ट हैं थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीधे बाबर अकबर से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो मुगल कला है अपनी, मुगल चित्रकला है, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो याद रखना है ये 1556 से लेकर 1857 तक का हमें टाइम पीरियड मिलता है। ठीक है, पूछा जाएगा मुगल चित्रकला का जो आदि स्रोत है वो कहाँ था, तो ये पूछा जाता है, तो कहाँ था? समरकंद और हिरात। ठीक है, और कला का द्वितीय स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? मुगल काल को कहते हैं। ठीक है, मुगल काल को कला का द्वितीय स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, और पूछा जाता है कि मुगलों के पूर्वज कहाँ से आए थे, तो ये हमारे कहाँ से? मंगोल से आए थे। ठीक है, मंगोल या फिर कह दीजिए मध्य एशिया। और मुगल शैली की उत्पत्ति कौन सी दो शैलियों से मिलने से हुई है, तो ये आपकी हिंदू प्लस ईरानी दोनों के मिलने से हुई है, या फिर कह दीजिए भारतीय परिशियन। ठीक है, याद रखना है। और ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया जाता है, कौन सी? तो याद रखना है ये है आपकी शाहनामा। और शाहनामा के रचनाकार कौन है, तो ये फिरदौसी हैं। ठीक है, और फिरदौसी को ही पूर्व का होमर कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है हाशिया बनाकर चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव है, तो ये फारसी शैली का है। जो हाशिया बनाकर चित्रण करते हैं इसमें फारसी शैली का प्रभाव है। ठीक है, और भारत में सबसे पहले जो स्थिर चित्रण हुए हैं जिसे हम स्टिल लाइफ बोलते हैं, ये कहाँ देखने को मिला है? तो यही आपकी मुगल शैली में। ठीक है, और भारत में व्यापक रूप से जो शबीह बनाना आरंभ हुआ ये भी मुगल शैली से। और शबीह कहते किसको हैं? पोर्ट्रेट को कहते हैं। और दरबारी चित्रकला का संबंध कौन से शैली से है, तो ये भी आपकी मुगल शैली। ये मोटी मोटी चीजें हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई हैं, अभी हम अब स्टार्ट करते हैं हर चीज को। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम बाबर को। चलिए, बाबर का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो क्या है? 1526 से 1530 तक है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। तो इसको समझने से पहले एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो यही अपना बाबर था। ठीक है, और बाबर के जन्म की बात की जाए तो इसका जन्म वैलेंटाइन डे के दिन होता है, 14 फरवरी 1483 में होता है। कहाँ पर? फरगना घाटी के अंदीजन में, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, और बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? तुजो के बाबरी थी। इसमें हिरात को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो बुद्ध जीवियों से भरे शहर के रूप में हिरात को वर्णित किया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी जो थी, क्या थी? तुजो के बाबरी, इसकी रचना किस भाषा में की है? तो इनकी जो खुद की मातृभाषा थी चगताई तुर्की में की है। कौन सी भाषा में? ता से तुर्की, तुर्की हो गया, और ता से तुजो के बाबरी हो गया, ऐसे याद रखिए। ठीक है,
और तुजो के बाबरी जो है इसी को हम बाबरनामा भी बोलते हैं। इसका फारसी में अनुवाद किया गया था, और फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है, याद रखना है। और बाबर जो है ना, इसको हम मुबैयान नामक जो पद्य शैली है, कौन सी? मुबैयान नामक जो पद्य शैली है, इसका आविष्कारक भी मानते हैं, ठीक है। और इसी ने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग जिसका नाम है नूर अफगान बाग, जिसे हम आराम बाग बोलते हैं, कहाँ है? आगरा में है। इसको ज्यामितीय विधि से बनवाया था किसने? बाबर ने ही, ठीक है। और बाबर ने आराम बाग, या फिर कह दीजिए नूर अफगान, इस बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? ये भी खूब पूछा जाता है, तो याद रखना है आगरा में करवाया था, हमने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी? तो इसने बेहजाद के चित्रों की आलोचना की थी, जो कि ये ईरानी चित्रकार था, ठीक है। और बेहजाद कहाँ का चित्रकार था? ये खुरांस और हिरात का चित्रकार था, ठीक है। और मतलब पूछा जाता है कि किस ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल कहते हैं? तो यही है अपना बेहजाद, जिसको हम पूर्व का राफेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? आगे चलते हैं। पूछा जाएगा कि बाबर द्वारा भारत में लाई गई जो शाहनामा है, इसकी एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा चुरा ली गई थी, ठीक है। और ये चुरा कर कहाँ ले गई है, लेगा ले जाई गई? तो ये एशियाटिक सोसाइटी लंदन में इसको ले गया गया, ठीक है। और पूछा जाता है कि जीवनी लेखकों का राजकुमार किसको कहते हैं? तो यही है अपना बाबर, जीवनी लेखकों का राजकुमार। और मुगल कालीन स्थापत्य की जो शुरुआत होती है, वो किसके समय में होती है? स्टार्टिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो बाबर के समय में। और मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य कौन सा है, पूछा जाता है? तो ये आपका काबुली बाग मस्जिद है, जो कि कहाँ है? पानीपत, हरियाणा में है, याद रखना है, ठीक है। और बाबरी मस्जिद कहाँ है? ये आपके अयोध्या में है, सभी जानते हैं कहाँ है, अयोध्या में है बाबरी मस्जिद। और इसके निर्माण की बात की जाए, किसने करा था? तो ये बाबर का एक सेनापति था, मीर बाकी, इसने इसका निर्माण किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये थी बाबर की कुछ मोटी मोटी चीजें जो आपके एग्जाम में फैक्टली पूछ ली जाती हैं, ठीक है। मेन मेन चीजें हमने आपको बता दी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हुमायूं। अभी और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, अभी पढ़ते जाइए, बस समझते जाइए कैसे हम आपको चुटकी में याद करवाते हैं। तो हुमायूं के बारे में समझते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद इसका पूरा नाम है, ये याद रखना है। और हुमायूं का जन्म कब होता है? 6 मार्च 1508 में होता है। कहाँ पर होता है? काबुल में होता है, ठीक है। और हुमायूं की माता का नाम पूछे तो ये माहम बेगम थी, ठीक है। और बाबर के चारों पुत्रों, इसके कितने पुत्र थे? मतलब बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र था ना, वो कौन था? यही आपका हुमायूं था, ठीक है। और हुमायूं की जीवनी पूछा जाता है, जैसे बाबर की बाबर नामा था, वैसे ही इसकी जीवनी का नाम क्या है? हुमायूं नामा है, ठीक है। और हुमायूं नामा को किसने लिखा था? इसकी बहन थी, हुमायूं की ही बहन गुलबदन बेगम, इसने लिखा था। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। और कौन सा मुगल शासक है जो ज्योतिष पर विश्वास रखता था, इसलिए वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो यही है अपना हुमायूं, जो ज्योतिष में विश्वास रखता था, ठीक है। और पूछा जाता है कि 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना है। और मतलब कैसे होती है? शेर मंडल, जैसे हम पोथी खाना बोलते हैं, इसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और लेन पून है, एक है लेन पून, एक व्यक्ति का नाम है लेन पून। इसने हुमायूं के विषय में एक वक्तव्य कहा है, उसको सुन लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। पूछा जाता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दिया। किसने कहा था ये लेन पून ने कहा था, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ईरानी चित्रकार अब्दुश्शमत सीराजी और मीर सैयद अली, इनको किस मुगल शासक ने सबसे पहले अपने दरबार में आमंत्रित किया था? किसकी बात हो रही है? पहला अब्दुश्शमत सीराजी प्लस दूसरा मीर सैयद अली, ठीक है। इन दोनों को किसने आमंत्रित किया? तो इसी हुमायूं ने किया था, ठीक है। और हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके कहाँ के? ईरान या फिर फारस कह दीजिए। और हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ करवाया था? तो इसने अमीर हमजा कहानी का किया था, ठीक है। और क्या है कि हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के जो चित्र हैं, वो किस पर बने हैं? तो ये सूती कपड़े पर बने हैं। किस पर बने हैं? सूती कपड़े
कपड़े पर बने हैं, याद रखना है, ठीक है। और किसने चबूतर के सॉरी किसने कबूतर सॉरी थोड़ा सा जीभ लड़खड़ा गई, ठीक है। पूछा जाता है कि किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था, तो यही था हुमायूं, ठीक है। और पूछा जाता है दिल्ली में जो दीनपनाह नगर है जिसे हम विश्व का शरण स्थल बोलते हैं, देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व का शरण स्थल क्या है, तो आपका दिल्ली में दीनपनाह नगर है, ठीक है। और ये जो नगर है इसका निर्माण किसने करवाया था, मतलब दीनपनाह नगर का, तो ये हुमायूं ने ही करवाया था, याद रखना है, ठीक है। किसने, हुमायूं ने। पूछा जाएगा शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई थी, दिल्ली का जो पुराना किला है उसके अंदर एक मस्जिद बनवाई थी, उस मस्जिद का नाम क्या है, किला ए कुहना नाम है, ठीक है। और हुमायूं के आविष्कारों में एक चीज मिलती है, चहार ताक नामक नाव, कौन सी, चहार चहार ताक नामक नाव मिलती है इसके आविष्कारों में, ठीक है। तो ये आपके हुमायूं थे। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अकबर के बारे में समझते हैं, ठीक है। अकबर के बारे में तो यहाँ से देखते हैं, तो अकबर के बारे में सबसे पहले याद रखना है इनका पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था, ठीक है, याद रखना है। और अकबर को और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है, सुन लीजिए, अकबर ए आजम के नाम से जाना जाता है, अकबर ए आजम के नाम से, शहंशाह अकबर के नाम से, और फिर महाबली शहंशाह के नाम से, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। और पूछा जाता है अकबर किसका पौत्र था, मतलब अकबर पौत्र था, तो याद रखना है मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनका पौत्र था, ठीक है। और किसका पौत्र था, बाबर का था, याद रखना है, ठीक है। और पुत्र किसका था, तो ये हुमायूं प्लस हमीदा दोनों का पुत्र था, ठीक है, हमीदा और हुमायूं, ठीक है। और अकबर के जन्म की बात की जाए कब होता है, तो इसका जन्म होता है 1542 में, कहाँ पर, अमरकोट सिंध में, राजपूत शासक थे राणा बीरबल शाह, मतलब बीरबल के, मतलब बीर साल के महल में, सॉरी बीरबल निकल आया, बीर साल के महल में हुआ था, ठीक है। और पूछा जाता है कि मुखाकृति चित्रण कौन से मुगल शासक के समय में होता है, तो मुखाकृति चित्रण यही आपके अकबर के समय में होता है, याद रखना है, ठीक है। और पूछा जाता है कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, जब ये 13 साल का था तब हुआ था, और कहाँ हुआ था, कलानौर आपके पंजाब में पड़ता है, तो यहीं पर हुआ था, ठीक है, 1556 में हुआ था, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। आगे पूछा जाता है कि अकबर का विवाह कब होता है, तो 1562 में होता है, ठीक है। और आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल की पुत्री थी जोधाबाई, इनसे होता है, उल्टा करके पूछ ले, जोधाबाई किसकी पत्नी थी, तो अकबर की थी, याद रखना, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाईचारा के लिए जो मतलब देखी जाती है सुलह एक कुल की नीति, भाईचार आपसी भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सुलह एक कुल जो नीति अपनाई थी वो इसी अकबर ने अपनाई थी, ठीक है। और अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी से आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है, तो याद रखना है ये फादर एका बीवा थे, इन्होंने किया था, ठीक है। और अकबर जो है ना ये 1575 ईस्वी में इबादत खाना, जिसे हम पूजा गृह कहते हैं, इसकी स्थापना की थी, कहाँ पर की थी, ये की थी फतेहपुर सीकरी में की थी, ठीक है, याद रखना है। और पूछा जाता है जगत गुरु की उपाधि प्रदान किसको की थी अकबर ने, तो ये जैनाचार्य हरिविजय सूरी थे जिनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। और अकबर का मकबरा पूछ ले कहाँ है, तो ये है सिकंदराबाद में है, कहाँ है, सिकंदराबाद, आगरा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ है, ठीक है। और अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थापत्य कौन सा है, तो ये याद रखना है, कौन सा है, हुमायूं का मकबरा है, जो कि किसने बनवाया था, ये हाजी बेगम ने बनवाया था, ठीक है। और हाजी का मतलब पूछ ले क्या होता है, तो जिसने मक्का में स्थित तीर्थ स्थल की यात्रा की होती है ना, उसको हम हाजी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। और पूछा जाएगा अकबर का मकबरा जो है, इसका मकबरा जो है किसने बनवाया था, तो इसका मकबरा इसके पुत्र जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। और मुगल शैली की नींव किसने रखी बोल दे, तो अकबर ने रखी है। और चित्रकला को प्रोत्साहित किसने किया है, तो यही अकबर ने किया है। पूछ लेगा देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि जो आईने अकबरी है इसके मुख्य चित्रकार कौन थे, किसके, आईने अकबरी के, आईने अकबरी के कौन थे, तो याद रखना है केशव दास थे, धर्मदास थे और बसावन ये थे, ठीक है। पूछा
पूछा जाएगा दीन इलाही धर्म किसने चलाया, तो ये अकबर ने चलाया है। किसने चलाया है? अकबर ने चलाया है दीन इलाही धर्म। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि 1575 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था, कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बनवाया था। ठीक है, और पूछा जाता है कि जो बुलंद दरवाजा है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये लगभग आपका 134 फीट है। ठीक है, और पूछा जाता है कि शबीह जो है, शबीह रचना का बड़े पैमाने पर जो आरंभ होता है कहाँ पर होता है? अकबर के ही टाइम पे। और रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया? अकबर ने कराया। शबीह चित्रों को किसके समय में महत्व मिला? अकबर के समय में। और सबसे अधिक जो व्यक्ति चित्र बनते हैं वो किसके समय में बनते हैं? तो ये भी अकबर के ही टाइम पे बनते हैं। ठीक है, और मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला है वो भी इसी के टाइम पे, अकबर के टाइम पे। ठीक है, और भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत पूछे तब भी अकबर के समय में। ठीक है, और पूछा जाएगा कि फिर ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, सारी आगे पूछा जा सकता है आपसे। हाँ चलिए, आगे पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ है? तो ये जो हरिवंश पुराण है, ऐसे पूछा जाता है, हरिवंश पुराण जो है इसका चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? तो ये मुगल शैली में हुआ है। ठीक है, और वास्तविक रूप में मुगल शैली का निर्माण किसके शासनकाल में होता है? तो ये अकबर के टाइम पे होता है। और आईने अकबरी का रचयिता कौन है? तो ये अबुल फजल है। ठीक है, और किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? किसने की थी? तो ये अकबर हैं जिन्होंने भेंट की थी। ठीक है, और अकबर के समय उसके तस्वीर खाने में कुल कितने चित्रकार काम करते थे? तो यहाँ पर 260 चित्रकार काम करते थे, जिसमें से 56% हिंदू थे। कितने? 56% हिंदू थे। ठीक है, और अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक जो संख्या थी ना वो हिंदू चित्रकारों की ही थी। ठीक है, हिंदू चित्रकार की। और अकबर कालीन चित्रों की जो विशेषता है ना वो यही है कि यहाँ पर दरबारी चित्र मिलते हैं। कैसे? दरबारी चित्र चित्र मिलते हैं। ठीक है, और मुगल चित्रकार जो बसावन है वो ये इन्हीं के दरबार में था। किसके? अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी भी क्लास अगर पसंद आया करे तो लाइक वाइक कर दिया करिए। ठीक है, अभी तो अकबर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि मेनली जो है ना आपके एग्जाम में अकबर ही आपका, अकबर मतलब बाबर हुमायूं ये ज्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन अकबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार कौन था? तो ये आपका कौन था? बसावन था। और अकबरी दरबार मतलब पूछा जाता है अकबरी दरबार का जो व्यंग्य चित्रकार था वो कौन था? यही बसावन था। और बसावन कौन सी जाति से था? ये अहीर था। ठीक है, और रज्मनामा जो है ना, ये रज्मनामा किसका है? तो ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है, याद रखना है। ठीक है, और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। और अकबर कालीन चित्रित है अनवर ए सोहेली, इसका अनुवाद मतलब ये अनुवाद किसका है? तो ये आपका पंचतंत्र का है। ठीक है, और पंचतंत्र का ही फारसी में अनुवाद किस मतलब क्या नाम से है? तो ये है अय्यार ए दानिश के नाम से है। ठीक है, याद रखना है। और अनवर ए सोहेली जो है इसका फारसी अनुवाद किया किसने है? तो इसका नाम इम्पोर्टेंट है हुसैन इब्न अली बैज अल कासिफ, इसने किया है। किसने? हुसैन इब्न अली बैज अल कासिफ ने। ठीक है, और पूछा जाएगा वाकयात ए बावरी इसकी मतलब पूछा जाएगा कि वाकयात ए बावरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू और मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, वाकयात ए बावरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू और मुस्लिम चित्रकारों को देखने को मिला है? तो ये हमें 19 हिंदू मिलते हैं, हिंदू चित्रकार, और 3 मुसलमान मिलते हैं। किसमें? वाकयात ए बाबरी के अनुसार है। ऐसे ही क्वेश्चन सेम पूछता है कि आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू और मुस्लिम चित्रकार हैं? तो यहाँ हमें 13 हिंदू मिलते हैं, 4 मुसलमान मिलते हैं। ठीक है, तो 13-4 किसमें है? आईने अकबरी में, और वाकयात ए बाबरी में 19 3 है। ठीक है, इस तरह से है। अब चलते हैं आगे। पूछा जाता है कि जो बाबर की एक प्रति सुरक्षित की गई है अकबर के समय में वो कहाँ की गई है? तो ये आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको किया गया है। ठीक है, और पूछा जाता है कि जो रसिक प्रिया का चित्र है जो संभवतः बीरबल को भेंट स्वरूप देने के लिए बनवाया गया था, कौन सा? रसिक प्रिया,
ये कौन सी शैली में मिला है, तो ये आपकी मुगल शैली ही हो जाएगी। ठीक है, आगे एक चीज याद रखिएगा, जो केशव है ना, हिंदू कवि केशव, इनकी कृति थी रसिक प्रिया, 1600 ईस्वी में चित्रित की गई थी। ठीक है, और रसिक प्रिया के 32 चित्र जो हैं बोस्टन संग्रहालय में हैं, और 12 चित्र कहाँ हैं, लंदन और अमेरिका के निजी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। ठीक है, हमने क्या बोला फिर से सुन लीजिए, जो केशव हैं इनकी रसिक प्रिया रचना है जो कि 1600 ईस्वी में होती है। ठीक है, और रसिक प्रिया के जो चित्र हैं 32 चित्र बोस्टन संग्रहालय में हैं, और 12 चित्र जो हैं कहाँ हैं, लंदन और अमेरिका के निजी संग्रहालय में है। पूछा जाता है ये जो मतलब रसिक प्रिया है, ये किस शासक के समय में चित्र बनवाए थे, किस मुगल शासक ने इसमें चित्र बनवाए थे, तो ये बनवाए थे अकबर ने। किसने बनवाए थे, अकबर ने बनवाए थे, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अकबर की चित्रशाला का जो मुख्य चित्रकार था मीर मुसब्बिर, ये कौन था, ये मीर सैयद अली था। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, मतलब कि देखिए पूछा जा सकता है ऐसे कि जो मतलब कि जो मीर सैयद अली है वो किसकी चित्रशाला में काम करते थे, तो उल्टा पूछ ले तब भी याद रखना है। ठीक है, आगे पूछा जाएगा कि अकबर के दरबार का जो श्रेष्ठ था वो कौन था, वो अब्दुश्यमत था, और मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन है, तो ये आपका अकबर है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, और अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला जिसे हम तस्वीर खाना कहते हैं, ये कहाँ स्थापित है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, और अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ है, तो ये आपके फतेहपुर सीकरी में है। और अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती थे, गुजराती की बात आएगी तो 6 चित्रकार थे गुजराती, और कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार और सुलिपिकार ये दोनों था, बताइए कौन सा मुगल कलाकार है जो चित्रकार सुलिपिकार दोनों था, तो ये आपके जो अब्दुश्शमद सीरत जी है ना, यही थे। ठीक है, और अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था, तो यही अब्दुश्शमद है। ठीक है, और अकबर कालीन सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो ये सलीम के जन्म वाला चित्र है। ठीक है, याद रखना है, और मतलब कब बनता है, 1590 में, और मतलब इसके चित्रकार कौन है, शंकर है, और संग्रह है लंदन में। ठीक है, याद रखना है। और अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था, तो ये अमीर हमजा की कहानी का बहुत शौकीन था, और अमीर हमजा मतलब जो कहानी का शौकीन था वो कौन था, अकबर था, ये बता दिया आपको। और पूछा जाता है किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ था, तो ये अकबर के ही संरक्षण में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो किसके संरक्षण में हमजा नामा, ये बता दिया। और पूछा जाएगा दास्ताने अमीर हमजा, इसमें जो चित्र हैं कितने बने हैं, लगभग 1400 बने हैं। ठीक है, और पूछा जाता है दास्ताने अमीर हमजा के जो चित्र बने हैं वो कैसे बने हैं, तो 28x22 इंच लंबे चौड़े सूती कपड़े पर बने हैं। ठीक है, और अमीर हमजा की 61 प्रतियां जो हैं ये कहाँ सुरक्षित हैं, तो ये आपके म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट वियना ऑस्ट्रिया में रखा गया है इसको। ठीक है, पूछा जाएगा कि निपुण पक्षी जो चित्रकार था मतलब अकबर के दरबार का पूछा जा रहा है, ये अकबर के दरबार का जो निपुण पक्षी चित्रकार था वो कौन था, तो ये आपका मिस्किन था। कौन था, ये मिस्किन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा जाएगा कि अकबर कालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, जो कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में सुरक्षित है, इसके लघु चित्र को 1585 से 90 के बीच में बनवाया गया था, किसने बनाया था इसको, तो इसको बनाया था मिस्किन ने। किसने बनाया था, मिस्किन ने बनाया था, ये याद रखना है। ठीक है, और किस मुगल शासक के काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य कला दिखाई देता है, तो ये अकबर के टाइम पे। ठीक है, और रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था, तो यही अपना अकबर था। और किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत होती है, तो अकबर के समय। और पूछा जाता है कि बाबर का घोड़े पर से गिरना ये किस युग का चित्र है, तो ये भी अकबर के ही टाइम का है। ठीक है, और रामायण, अच्छे से समझिएगा, रामायण, योग वशिष्ठ, हरिवंश, इसके चित्र कौन सी शैली में बने हैं, तो मुगल शैली में, और किसके काल में बने हैं, तो अकबर के काल में बने हैं। ठीक है, हर चीज़ को अच्छे से सुनते जाना है, क्योंकि सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
आगे पूछा जाएगा किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है, तो ये अकबर के टाइम, अकबर के, ठीक है। और बाबर चित्रों की रचना किसके युग में हुई है, अकबर के। और बाबर की जो पोथी है जिसमें 378 पन्ने थे, इम्पोर्टेंट है ये, बाबर की जो पोथी है ठीक है, इसमें 378 पन्ने थे जिसमें से 122 पन्नों पर 144 पेज मतलब चित्र हैं, 122 पन्नों पर 144। फिर से सुन लीजिए, बाबरनामा की पोथी जिसमें से टोटल कितने हैं, 378 पन्ने हैं जिसमें से 122 पन्नों पर 144 चित्र हैं, ये सुरक्षित कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। और गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक कौन से मुगल शासक के समय बुलाए गए, तो यही है अपने अकबर भाई साहब के टाइम पे, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाएगा कि युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय सबसे अधिक अंकित होते हैं, तो ये अकबर के टाइम पे। और एक ही नाम के दो चित्रकार हैं जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे, तो कौन है, ये मनोहर है, याद रखना है, ठीक है। और पूछा जाता है कि जो रज्मनामा है ना, जो रज्मनामा है ये कहाँ संग्रहित है, तो ये मुगल पांडुलिपि है, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में इसका संग्रहण है, ठीक है। और सीरी कलम किस कलाकार की उपाधि है, सभी जानते हैं अब्दुश्यमन सीरी, ठीक है। और अकबर काल में शिल्प कला, शिल्प मतलब सॉरी, पूछा जाएगा कि अकबर काल में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो यहाँ शिल्प रत्न लिखी गई है, कौन सी, शिल्प रत्न। और किसने लिखी है, केरल के श्री कुमार थे, इन्होंने लिखी है, ठीक है। और बाबरनामा, अकबरनामा के चित्र कहाँ पर बनाए गए हैं, अकबर के शासन काल में, ठीक है। और दास्ताने अमीर हमजा, इसकी चित्रावली किसने तैयार की है, तो ये तबरेज निवासी थे मीर सैयद अली और शिराजी, इसके मतलब अब्दुश्यमन अब्दुश्यमन ने की है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो बाबर सोन नदी पार करते हुए अकबर कालीन चित्र किसने बनाया है, तो ये जगन्नाथ छतेरे ने बनाया है, ठीक है। और मुगल कालीन चित्रकार दसवंत का गुरु कौन था, तो ये ख्वाजा अब्दुश्यमन था। और किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है, तो ये दसवंत ने किया है। और अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है, तो 103 चित्रों का। तूतीनामा कब लिखा जाता है, 1560 से 1568 में लिखते हैं, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए जो भूमि मतलब दान दी थी वो किसने दी थी, अकबर ने दी थी, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था 1589 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अकबर के समय तुर्की से फारसी में अनुवाद बाबर की आत्मकथा किस नाम से की जाती है, तो ये है वाकियात ए बाबरी, जिसका टाइम पीरियड मिलता है 1589, ठीक है। और अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ पर थे, तो ये आपके आगरा में थे, दिल्ली में थे, लाहौर में, ठीक है, ये पुस्तकालय। आगे चलते हैं, तो अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें हैं, तो लगभग इसके जो पोथी खाना है यहाँ पर लगभग 24,000 पुस्तकें थीं, जिनका मूल्य करीब लगभग 6.5 लाख रुपए था, ठीक है। और पूछा जाता है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये लंदन में है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है, तो ये शान ए सीकरी के नाम से। और आगरा किले में स्थित है जहांगीरी महल, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये अकबर ने करवाया था, ठीक है। और 1960 की फिल्म मुगले आजम में अकबर का चरित्र किसने निभाया था, तो ये पृथ्वीराज कपूर ने निभाया था। पूछा जाएगा मुगले आजम जो है कब आती है, 1960 में आती है, और अकबर का करेक्टर कौन रोल करते हैं, तो ये पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। पूछा जाता है कि 2008 में आती है आशुतोष गोवरिकर द्वारा निर्देशित फिल्म जोधा अकबर, कब आती है, 2008 में आती है। और इसमें जो अकबर और जोधा का चरित्र किया है मतलब रोल निभाया है किसने, तो जो जोधा बनी थी वो ऐश्वर्या राय बनी थी, और अकबर बने थे ऋतिक रोशन, ठीक है। तो ये जो मूवी आती है कब आती है, ये 2008 में आती है, जोधा अकबर। और मुगले आजम कब आती है, 1960 में आती है। तो यहाँ से जो आपके अकबर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है ना, अब हमें लगता है कि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि चैप्टर जो हैं काफ़ी बड़े हैं। तो एक काम करते हैं, अकबर को पढ़ा, सॉरी,
अकबर तो पढ़ा दिया है हमने, जहांगीर भी हम पढ़ा देते हैं, फिर शाहजहां से हम कल कर देंगे, ठीक है? वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये मुगल चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, ठीक है? चलते हैं आगे, तो अब पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। चलिए समझ लेते हैं जहांगीर को। तो जहांगीर का टाइम पीरियड कब मिलता है? 1605 से 1627 में मिलता है। पूछेगा इनका पूरा नाम क्या था जहांगीर का, तो याद रखना है क्या नाम था, मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। क्या नाम था? मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था, ठीक है? जन्म कब होता है? 1569 में होता है। किसके गर्भ से होता है? जोधा बाई के गर्भ से होता है, ठीक है? और जो मतलब जहांगीर है, इसका विवाह है किससे होता है? नूरजहाँ से होता है। और नूरजहाँ का जो मूल नाम है ये मेहरुन्निसा है, ठीक है? और नूरजहाँ का संबंध किस वस्त्र कला से है? तो इसका संबंध चिकनकारी से है। और पूछा जाता है कि जो नूरजहाँ की माँ है उसका नाम है असमत बेगम, इन्होंने क्या किया था कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था इनकी माँ ने, ठीक है? पूछेगा जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ये आपके शाहदरा लाहौर में है। और शहजादा सलीम की जो प्रेसी थी, मतलब प्रेमिका थी, वो कौन थी? अनारकली थी। अनारकली का मकबरा कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में है, ठीक है? और पूछा जाता है कि 1953 ईस्वी में अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म बनाई गई थी, कब? 1953 में, अनारकली के जीवन से अब संबंधित। और अनारकली की भूमिका इसमें निभाई थी बीना राय ने, ठीक है? और पूछा जाता है किसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी की रचना की है? तो ये किसने की है? जहांगीर ने की है, ठीक है? और प्रकृति जानवरों फूलों के लिए अनन्य प्रेम जो है वो किसने चित्रित की, किसमें चित्रित है? तो यही आपकी तुजुके जहांगीर में है। और मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? जहांगीर के टाइम को कहते हैं, ठीक है? और किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ है? तो यही है जहांगीर के टाइम पे। और शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? तो जहांगीर के समय बने हैं। और कौन सी शैली होगी? मुगल शैली होगी। और जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए हैं? बनाने वाले थे कौन? मनोहर थे, ठीक है? और मनोहर द्वारा निर्मित है शेर का शिकार करते हुए जहांगीर, इसका जो प्रसिद्ध चित्र है मनोहर का, कहाँ मतलब सुरक्षित है? तो ये एक प्रति जो है मॉस्को में है और इसकी दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में है, ठीक है? कहाँ? ऑक्सफोर्ड में, और दूसरी है मॉस्को में। आगे चलते हैं, तो मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंचती है? तो ये जहांगीर के ही टाइम पे पहुंचती है, ठीक है? आगे पूछा जा सकता है आपसे कि मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में? जहांगीर के। और मुगल कलम का सर्वश्रेष्ठ समय था कौन सा? जहांगीर का समय था। और कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर, ठीक है? और जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? तो ये था आपका बिशनदास था। कौन था ये? बिशनदास था, याद रखना है, ठीक है? सारे परफेक्ट हम बताते जा रहे हैं, सुनते जाइए, सुनते सुनते सब याद हो जाएगा। नूरजहां का सभी है किसने बनाया है? तो यही बिशनदास ने बनाया है। और मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो कौन था ये? अपना अबुल हसन था। कौन था ये? अबुल हसन। और जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसको मानता था? तो यही अबुल हसन को मानता था, ठीक है? अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने एक चीज बनवाई थी जिसका नाम था शीश महल चश्मे नूर। क्या था? पूछा जाता है शीश महल चश्मे नूर कहाँ है? पहली बात तो ये अजमेर में है, और बनवाई किसने है? जहांगीर ने ही इसको बनवाया है, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, और पूछा जाता है कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो यही आपका क्या नाम था? अबुल हसन, ठीक है? और अबुल हसन और मंसूर, ये जो दोनों थे ना, इन दोनों ने मिलकर एक कृति बनाई थी जिसका नाम है चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां। पूछा जाता है चिनार के वृक्ष पर, शिकार के बाद जहांगीर काल का है ये, ठीक है, ये चित्र। और पूछा जाता है इसका माध्यम क्या है? तो इसको जो बनाया गया है ना, वो कागज पर नीम कलम तकनीक से बनाया गया है, ठीक है? सुरक्षण की बात की जाए कहाँ है, तो हमने पहले ही बताया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और कौन सा? शेर के शिकार के बाद, ठीक है? आगे पूछा जाएगा शेख सूफी संत, पूछा जाएगा शेख सूफी संत का चित्र किसने बनाया और यह कहाँ सुरक्षित है? तो किसने बनाया है इसको? बिशनदास ने बनाया है। सुरक्षण की बात की जाए तो वाराणसी में इसको सुरक्षित किया गया है, ठीक है? और जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो इसमें
फूल का चित्रण किया गया है? जहांगीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने ईरान भेजा था? तो किसको? बिशन दास को भेजा था। ठीक है, आगे। फतेहपुर सीकरी में स्थित है शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह, इसको किस मुगल सम्राट ने संगमरमर से बनवाया था? पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, किसने बनवाया था? तो ये जहांगीर ने बनवाया था। और श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया है? तो ये भी जहांगीर ने बनवाया है। और पूछा जाता है कि विशेष प्रकार के पशु, पक्षी, फूल, पत्ती, राजकुमार और जादूगर, यूरोपीय सिपाही, ईसाई साधक, चीनी ड्रैगन, ये सब किसके टाइम पे, मतलब किसके समय के चित्रों में, अंकन में दिखाई देता है? तो ये जहांगीर के टाइम पे। और पूछा जाता है कि 1960 ईस्वी की के आसिफ द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है मुगले आजम, इसमें शहजादा सलीम और अनारकली का जो रोल किया है वो किसने किया है? तो दिलीप जो है उसने शहजादा का, और मधुबाला ने अनारकली इसका रोल किया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारे जो जहांगीर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम केवल यहीं तक रखते हैं, वरना लंबी हो जाएगी क्लास। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कल शाहजहां से। ठीक है, इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी अब वो शाहजहां की होगी। तो क्लास कैसी लगी है सभी को ये बताना है कि क्लास कैसी लगी है। ठीक है, क्लास कैसी लगी है और समझ में आया कि नहीं आया, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, बस हमारा जो पसीना बह रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका सफल आप लोगों को करना है। ठीक है, उसको जो सफल बनाएगा वो कौन बनाएगा? वो आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट में नीचे जरूर बताना है कि आपकी क्लास कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए ऑफ।